दोस्तों, मैं पिछली क्लास में आर्किमिडियन स्पाइरल का थोड़ी सी ही कर पाया था और आज उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो अपना यहाँ तक अपन ने डिस्कशन कर लिया था और वीडियो लंबा खींच रहा था इसलिए मैंने उसको कटआउट कर दिया था, लेकिन आज आर्किमिडियन मेथड का पूरा अपन एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की फर्स्ट ईयर की क्लास है और इसका जो फर्स्ट वाला वीडियो था स्पाइरल का, आर्किमिडियन स्पाइरल का, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं जहाँ तक मैंने पिछली क्लास में बताया था। और उसके बाद का कंटिन्यूसली यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा रिविजन करते हैं। अपन ने एक सर्कल बनाया था, 68 नंबर वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करने हैं। अनूप सर के प्रैक्टिस सेट का 68 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपन ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था, इस वाले पॉइंट को अपन ने 18 भाग में डिवाइड कर लिया था और 18 भाग में डिवाइड करने के बाद अपन ने 18 तक नंबर लिए। यहाँ तक अपन ने इन सब चीज़ों को समझा और जाना, एक एक पॉइंट को समझा। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से। दोस्त, नंबरिंग यहाँ से मैंने किया है 5, 10 और 18, बीच में जो चीज़ें छुटी हैं उसको आप कवर करें, समझते जाना की पॉइंट को पकड़ना। दोस्त, अब हमें इन सभी 18 पॉइंटों में, इन सभी 18 पॉइंटों में आर्क लगाना है। क्या लगाना है? आर्क। कैसे आर्क लगाना है वो चीज जरा देखेंगे। आर्क कैसे लगाना है वो चीज जरा देखेंगे। आर्क हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले जीरो तो यही है ना मेरे दोस्त, जीरो तो सेंटर वाला पॉइंट है। आर्क कैसे लगाना, की पॉइंट इसलिए मैंने लिखा, आर्क कहां से कहां लेकर के लगाना है वो चीज हम देखेंगे। सबसे पहले हम जीरो से एक, एक कहीं ना कहीं हमारे इधर साइड होगा, 1, 2, 3, 4, 5 हम यहां तक 18 तक लिए हैं, तो हमें जीरो से सेंटर लाइन से एक आर्क लेना है। जीरो से, मेरा बच्चा ध्यान से देखेगा, जीरो से, जीरो से यह जीरो है, यह सेंटर वाला पॉइंट जीरो है और एक कहीं ना कहीं है, तो जीरो से एक तक की लंबाई लेगा। जीरो से एक तक की, ये जीरो और ये एक, जीरो से एक तक की लंबाई लेगा, लंबाई लेगा और लंबाई लेने के बाद एक वाली लाइन को, एक वाली लाइन को, लाइन को मेरा बच्चा क्या करेगा, लाइन को काटना है। क्या करना है? लाइन को काटना। एक बार और समझना, जीरो से वन ये यहां कहीं होगा, जीरो से वन की लंबाई को लेना है, डिवाइडर से पकड़ना है और डिवाइडर से पकड़ने के बाद एक वाली लाइन को क्या कर देना है, काट देना है, जिसका नेमिंग एक है उस वाली लाइन को काट देना है। यही प्रोसेस सबके साथ करना है। कैसे? ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को देखना, मेरे बच्चे को समझ में आएगा। ये जीरो है और ये वन है, यहां तक की, यहां तक की, यहां तक की लंबाई को अपने, ये मेरे लिए डिवाइडर है, मेरा बच्चा जानता है, यहां से यहां तक की लंबाई लेंगे और एक वाली लाइन, ये एक लिखा हुआ है, एक वाली लाइन को मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा, यही डिवाइडर से एक वाली लाइन को क्या कर दूंगा, काट दूंगा, ये काट दिया। इसी तरह ये जीरो से एक लिया, अब जीरो से क्या लूंगा, जीरो से दो लूंगा, जीरो से दो लूंगा और दो वाली लाइन को क्या कर दूंगा, दो वाली लाइन को क्या कर दूंगा, काट दूंगा। यही प्रोसेस, यही प्रोसेस 18 तक करना है। कहां तक करना है? 18 तक करना है। पहले जीरो से वन लेंगे, वन वाली लाइन को काटेंगे, फिर जीरो से दो लेंगे, दो वाली लाइन को काटेंगे, जीरो से तीन को लेंगे और तीन वाली लाइन को काटेंगे, जीरो से 18 को लेंगे और 18 वाली लाइन को काटेंगे। मेरे बच्चों को समझ में आया? मैं करके दिखाता हूँ, मैंने दो करके दिखा दिया, मेरा बच्चा ऑटोमेटिकली कर लेगा, ठीक है। अब हमने जीरो से दो वाली लाइन को लिया और दो वाले को ये काटता गया। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, मेरा बच्चा जीरो से वन लिया, वन वाई लाइन काटा, जीरो से दो लिया, दो वाई लाइन काटा, जीरो से तीन लिया, तीन वाले को, जीरो से चार, चार वाई लाइन को, इस तरह मेरा बच्चा काटता जाएगा हर एक लाइन को, हर एक लाइन को मेरा बच्चा काटता जाएगा, हर एक लाइन को मेरा बच्चा काटता जाएगा और कुछ काटने के बाद मुझे इस तरह के पॉइंट मिलेंगे। मैं सभी पॉइंट को देख लूंगा,
सभी पॉइंटों को देखने के बाद एच बी पेंसिल मैं बताऊंगा पेंसिल कहाँ कैसे यूज करना है। पहले मेरा स्पायरल बन जाए, स्पायरल बनने के बाद मैं आपको पेंसिल का यूज बताऊँ कहाँ पे मैंने कौन सी पेंसिल यूज किया है। यह सिर्फ पेंसिल यूज करना सिर्फ अनूप सर ही बताते हैं, बाकी कोई भी बताता है, ये चीज है। अब मैं एच बी पेंसिल यूज करूंगा, इसका वाला जीरो यहां से स्टार्ट करूंगा, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और सभी पॉइंटों को क्या करूंगा, मिला दूंगा। सभी पॉइंटों को मेरा बच्चा क्या करेगा, मिला देगा। सभी पॉइंटों को मिला देगा मेरा बच्चा। ये आरके मीडियम का स्पायरल का आरके मीडियम मेथड है। मेरे बच्चे को इस तरह का डायग्राम क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेंसिल कहां कौन सी यूज करना है। ये पेंसिल यूज करने का तरीका सिर्फ अनुसार ही बताते हैं, बाकी नहीं बताते हो, क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ में। पेंसिल सबसे पहले ये जो आउटर वाला आपको सर्कल दिख रहा है ना, आउटर वाला सर्कल, जो आउटर सर्कल है उस सर्कल को आप एच बी पेंसिल से बनाओगे। कौन सी पेंसिल से बनाओगे, एच बी पेंसिल से। जो ये डिवाइडेशन किया है उसको भी एच बी पेंसिल से बनाओगे। कौन सी पेंसिल से बनाओगे, एच बी पेंसिल। जो ये डिवाइडेशन किए हैं ना, ये डिवाइडेशन, ये इसको 12 भाग में बांटे हैं और 18 तक नंबर किए हैं, तो जो ये 12 भाग में बांटे हैं, जो ये 12 भाग में बांटे हैं, इसको हम 2 इंच या 3 इंच पेंसिल से बनाएंगे। ये जो नंबरिंग हमने किया है 1 से लेकर के 18 तक, इसकी नंबरिंग, नेमिंग या नंबरिंग, इसको भी एच बी पेंसिल से बनाना है। और ये जो स्पायरल बनता हुआ रिंग जैसे आपको दिख रहा है, ये जो रिंग जैसे आपको स्पायरल बनते दिख रहा है, इसको भी अपन एच बी पेंसिल से बनाएंगे। कौन सी पेंसिल से बनाएंगे, एच बी पेंसिल से। दोस्तों ये स्पायरल बन के तैयार हो गया। इस मेथड का नाम है आर्किमिडियन मेथड। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो मेरा प्रैक्टिस सेट है आपके पास, प्रैक्टिस सेट में मेरा नंबर दिया है, तो आप बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हरिओम।